स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्रिक्शन। इन प्रीवियस लेक्चर हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है, राइट? हमेशा मोशन को अपोज करेगा और ये तब एक्ट होता है, ये हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। सो फ्रिक्शन इज कास्ट बाय इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसेस। फ्रिक्शन कास्ट कैसे होता है? फ्रिक्शन सरफेस की इरेगुलरिटीज जो होती है उसकी इंटरलॉकिंग की वजह से कास्ट होता है। एक्चुअली जो सरफेस हमें स्मूथ दिखती है वो पूरी तरीके से स्मूथ नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज प्रेजेंट रहती हैं। तो जब भी कोई सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उन सरफेस की जो इरेगुलरिटीज हैं वो आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं और फ्रिक्शन कास्ट होता है। तो जो सरफेस स्मूथ होती है उसमें जो इरेगुलरिटीज हैं वो बहुत ही कम होती हैं, जिसकी वजह से वहां पर फ्रिक्शन बहुत लो होता है। और यही रीजन है कि हम स्मूथ सरफेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से मूव करवा सकते हैं। अगर हम रफ सरफेस की बात करें तो रफ सरफेस पर जो इरेगुलरिटीज है वो काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है और फ्रिक्शन हाई होने की वजह से वहां पर ऑब्जेक्ट को मूव करवाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाह रहे हैं तो हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इरेगुलरिटीज का मतलब क्या होता है? लाइक दिस, अगर दो सरफेस, सपोज एक टेबल पर अगर बुक रखी हुई है तो ये बुक की सरफेस है और ये बुक की सरफेस की इरेगुलरिटीज है जो ब्लैक कलर से दिख रही है, और ये जो ब्लू कलर से है ये टेबल सरफेस की इरेगुलरिटीज है, ये दोनों आपस में इंटरलॉक हो जाती है बिल्कुल इस तरीके से इंटरलॉकिंग हो जाती है दो सरफेस की इरेगुलरिटीज के बीच, और फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज कर देता है। रफ सरफेस पर ज्यादा इरेगुलरिटीज होने की वजह से फ्रिक्शन हाई होता है और स्मूथ सरफेस पर कम इरेगुलरिटीज होने की वजह से फ्रिक्शन क्या होता है? लो होता है। फ्रिक्शन को अगर हम प्रेस करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखी हुई है और अगर हम उसको प्रेस कर रहे हैं तो उससे फ्रिक्शन बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन ए पर्सन इज सिटिंग ऑन इट। अगर हम एक मैट को ड्रैग करें, घसीटें, कब? जब उस पर कोई ना बैठा हो तब घसीटें तो आप देखेंगे आसानी से आप ड्रैग कर ले जाते हो मैट को, लेकिन जब उस पर कोई पर्सन बैठ जाता है तब उस मैट को ड्रैग करने में काफी डिफिकल्टीज होती है, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो पर्सन बैठ गया मैट पर वो क्या कर रहा है? दबा रहा है मैट को, प्रेस कर रहा है, और प्रेस करने से फ्रिक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है मैट को ड्रैग करने के लिए। तो फ्रिक्शन जो है वो थ्री टाइप का होता है। फर्स्ट है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, पहला है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, थर्ड है रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सपोज ये एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है किसी सरफेस पर, राइट? सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ये ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखी हुई है तो जब हम इसको मूव करवाना चाह रहे हैं तो जो फोर्स हम इसको मूव करवाने के लिए लगाएंगे, राइट, जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए लगाएंगे वो फोर्स क्या होगा? हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा? जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे और जिस वक्त ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट स्टार्ट करेगी, जिस वक्त ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर मूवमेंट स्टार्ट करेगी, मूव होने लगेगी, उस वक्त का जो फोर्स हमारा अप्लाई होगा इस पर इसको मूव करवाने के लिए वो फोर्स होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर रखी हुई है, दोनों की रेगुलरिटीज आपस में इंटरलॉक है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यही जो फ्रिक्शन है, क्लियर, यही फ्रिक्शन आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। और यही फ्रिक्शन को हमें अगर इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तभी ये ऑब्जेक्ट मूव करेगी, राइट? तो जो फोर्स अप्लाई करेंगे जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट स्टार्ट करेगी तो वही हमारा उसी वक्त का हमारा जो फोर्स अप्लाई होगा वही हमारा क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। क्योंकि वही फोर्स जब इस फ्रिक्शन के बराबर होगा तभी तो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगी। तो उसी वक्त का जो फोर्स होगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूवमेंट में आने वाली होगी तो वही फोर्स आपका फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स
A friction acting between two bodies when they slide on an other with uniform speed. अगर किसी एक सरफेस पर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से स्लाइड हो रही है, चल रही है, तब इस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कास्ट हो रहा है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. कोई ऑब्जेक्ट, ये सरफेस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई, इस पर क्या कर रही है, मूवमेंट हो रहा है, स्लाइड हो रही है ये, तो इस पर जो फोर्स ऑफ इन सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, ये जब ये जो इसमें ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, इस पर रखा हुआ है, क्लियर, अब रेस्टिंग स्टेट में इससे फ्रिक्शन कास्ट कर रहा है, तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये रेस्टिंग स्टेट का वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और जब ये किसी सरफेस पर स्लाइड हो रही है और उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पर लग रहा है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. थर्ड है रोलिंग फ्रिक्शन. आपने देखा होगा कि जो अटैचेस होते हैं या अदर पीसेज ऑफ लगेज होते हैं उसमें रोलर फिट होते हैं. रोलर फिट होने का एडवांटेज क्या होता है कि आप आसानी से उस लगेज को खींच सकते हो, आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आसानी से वो सामान जो है अटैचेस है वो मूव होने लगेगी. तो रोलर लगा लेने से क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कम हो जाता है. तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस व्हेन अ बॉडी रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. जब एक बॉडी की सरफेस पर कोई दूसरी बॉडी रोल करती है तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होता है वो होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन. और रोलिंग फ्रिक्शन, अब अगर हम कंपैरिजन करना चाहें कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन. हाउ? स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा क्यों? देखिए, ये एक सरफेस है, किसी भी चीज की सरफेस है, क्लियर, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमेशा ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि ये रेस्टिंग स्टेट में है, इस ऑब्जेक्ट की रेगुलरिटीज और इसकी रेगुलरिटीज, सरफेस की रेगुलरिटीज को इंटरलॉक होने के लिए काफी टाइम मिल गया है, आपस में अच्छी तरीके से इंटरलॉक हो गई है, तो अब हम इसको अगर मूव करवाना चाहेंगे हमें बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है. लेकिन अगर ये अनदर सरफेस है और इसी पर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड हो रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से स्लाइड हो रही है, चल रही है, तो इस ऑब्जेक्ट की सरफेस और इसकी सरफेस की इररेगुलरिटीज के बीच जो इंटरलॉकिंग है, उस इंटरलॉकिंग के लिए क्या होगा, टाइम कब मिलेगा, कब इंटरलॉक हो पाएंगी, क्योंकि ये जो एक बॉडी है वो दूसरी बॉडी की सरफेस पर स्लाइड हो रही है, चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, रुकी हुई नहीं है, तो जो इररेगुलरिटीज दोनों सरफेस में मौजूद है उनकी उन्हें इंटरलॉक होने के लिए काफी कम टाइम मिलता है. और यही रीजन है कि अगर कोई चीज मूव होती हुई चल रही है, आप उसको थोड़ा सा फोर्स, थोड़ा सा आप पुश करोगे, थोड़ा सा अप्लाई करोगे फोर्स, तो और उसकी मोशन क्या होगी, और बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि उस वक्त जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है. रोलिंग फ्रिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस व्हेन अ बॉडी रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. क्लियर? अगर एक सरफेस पर कोई बॉडी दूसरी बॉडी रोल कर रही है तो उस पर भी जो इररेगुलरिटीज मौजूद है दोनों की सरफेसेस के बीच, उसकी इंटरलॉकिंग के लिए काफी कम टाइम मिलता है, जिसकी वजह से वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है. तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे कम होता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है. तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर की, स्लाइडिंग स्लाइड स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन. आपकी सेकेंड हेडिंग है फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल. तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये कहीं कहीं पर यूजफुल है और कहीं कहीं पर इसका हार्मफुल इफेक्ट भी होता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक ग्लास पकड़ना है, शीशे का ग्लास है, ग्लास टम्बलर है, उसको आपको होल्ड करना है तो आप आसानी से होल्ड कर लेते हो. लेकिन सपोज अगर उसी ग्लास के आउटर सरफेस पर हम ग्रीस
लगा दे या फिर कोई कुकिंग ऑयल की एक पतली सी फिल्म बना दे, लेयर बना दे, तो क्या आप उस शीशे के गिलास को आसानी से पकड़ लोगे? नहीं, आपके हाथ से वो फिसलेगा। तो कोई भी चीज, सिर्फ ग्लास ही नहीं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रिक्शन ना हो, क्लियर, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जो ग्लास है आप सोचते हो कि कितना स्मूथ है, उसमें कहाँ पर इरेगुलरिटीज होंगी। एक्चुअली जो सरफेस हमें बहुत स्मूथ नजर आती है वो इतनी भी ज्यादा स्मूथ नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज मौजूद होती है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है और हम आसानी से किसी भी शीशे की बनी हुई चीज है या कोई अदर ऑब्जेक्ट है उसको होल्ड कर लेते हैं। दूसरी चीज, अगर फ्रिक्शन ना हो, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम जो है एक वेट मार्बल फ्लोर पर नहीं चल सकते। जो टाइल्स वगैरह लगे होते हैं अगर वहां पर, वो कितनी स्मूथ होते, कितनी टाइल्स देखी होगी आपने, कितनी चिकनी होती है, लेकिन एक्चुअली उसमें भी इरेगुलरिटीज, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती है। यही रीजन है कि हम आसानी से वॉक कर ले जाते हैं वेट मार्बल फ्लोर पर, क्योंकि वहां पर भी फ्रिक्शन काज होता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप टाइल्स पर चल भी नहीं पाओगे। वी कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम पेंसिल या पेन से पेपर पर या कहीं पर भी राइट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है जब आपकी टीचर ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखती है तो वो क्या करती है, चॉक को ब्लैक बोर्ड पर रब करती है, जिससे चॉक के जो पार्टिकल है वो ब्लैक बोर्ड पर क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं। तो अगर फ्रिक्शन ना हो, क्लियर, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम पेन से या पेंसिल से किसी पेपर, किसी बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख सकते। कुड इट हैपन, क्वेश्चन ये है, कुड इट हैपन इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शन बिटवीन चाक एंड ब्लैक बोर्ड। अगर सोचिए चाक एंड ब्लैक बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो हम या कोई और चाक से ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख पाएगा, पेन से हम पेपर पर राइट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, अगर फ्रिक्शन ना हो तो इट वुड नेवर स्टॉप, वो कभी भी स्टॉप नहीं होगी। जैसे कोई रोड है, उस पर आप बस चला रहे हो, क्लियर, ट्रक चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, कार चल रही है, बाइक चल रही है, अगर फ्रिक्शन ना हो, क्लियर, तो हमेशा वो चलती ही रहेगी। ब्रेक अप्लाई करने पर आपकी बाइक जो है, आपके जो कार है, जो बाइसाइकिल है, अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो रुक जाती है ना, तो अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो चीज रुकेगी नहीं, वो हमेशा कोई भी चीज मूवमेंट में तो हमेशा मूवमेंट ही करती रहेगी, वो स्टॉप नहीं होगी अगर फ्रिक्शन ना हो। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्टेड नहीं कर सकते, एक ईंट नहीं रख सकते। अगर कोई ईंट रखी हुई है किसी ग्राउंड पर, वहां पर फ्रिक्शन है, उस ईंट की सरफेस और जो ग्राउंड की सरफेस के इरेगुलरिटीज के बीच में इंटरलॉकिंग हुई है जिससे फ्रिक्शन कॉज हो रहा है, इसीलिए वो वहां पर रुकी हुई है, अदरवाइज वो उड़ती रहती है या फिर मोशन में मूवमेंट हमेशा करती। तो ये फ्रिक्शन के यूजफुल इफेक्ट है। हार्मफुल क्या है? फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन क्या करता है, ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन से ऑब्जेक्ट खराब हो जाती है, फट जाती है, वियर एंड टियर हो जाता है उनका, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। आप अपनी दोनों पाम को बहुत तेजी से विगोरसली फॉर फ्यू मिनट के लिए रब करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके आपको हीट महसूस होगी अपने हाथ में, राइट। अगर आप मिक्सर जो जार चलता है ना, अगर आप उसको रन करवाओ तो क्या होता है, कुछ वक्त के बाद वो क्या होता है, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, इसी तरीके से फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। आपने देखा होगा कि जब आप मैच स्टिक को बर्न करना होता है तो आप मैच स्टिक को क्या करते हो, मैच बॉक्स से रब करते हो, रब करने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। और जब उसकी सरफेस, दोनों की सरफेस, मैच स्टिक की और उस मैच बॉक्स की सरफेस टच में आती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट को वियर एंड टियर करता है और क्या करता है, ये हीट को प्रोड्यूस करता है, क्लियर, ये इसका हार्मफुल इफेक्ट है। जिससे जब हीट प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है फ्रिक्शन से, कि जो चीजें खराब हो जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके शूज के में जो सॉल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं,
जो शूज में सोल्स लगे होते हैं वो खराब हो जाते हैं जब आप चलते हो, तो फ्रिक्शन काज करता है और जिससे क्या होता है उसके सोल्स क्या होते हैं खराब हो जाते हैं। इसी तरीके से बॉल बियरिंग जो लगी होती है फैन वगैरह में वो भी क्या होती है खराब हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है हीट को प्रोड्यूस करता है और ये मशीनों के फ्री मूवमेंट को भी कभी कभी रोकने की कोशिश करता है। क्या होता है जब मशीनें चलती रहती हैं तो अगर उसमें उनकी सरफेस जो है वो रब हो जाए, क्लियर, रब हो जाती है, तो रफ होने की वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है और वो मशीन को सही तरीके से चलने नहीं देता, उसकी मोशन को क्या करता है रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप उसमें कोई ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह डाल देते हो तो क्या होता है वो फ्रीली मूव करने लगती है, चलने लगती है। तो जो फ्रिक्शन है ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन क्या करता है मशीन की फ्री मूवमेंट को भी रोकने की कभी कभी कोशिश करता है। तो फ्रिक्शन के कुछ यूजफुल इफेक्ट भी हैं, कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फ्रिक्शन को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस लेक्चर को सुनने के बाद आप लोग बुक खोलकर एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत जल्द सेंड कर देंगे, आपको उसको खुद से सॉल्व करना होगा।